करता हूं आपने मुझे और इस बजट पर बजट को मैं स्वागत करता हूं। बहुत मौका दिया, बहुत सारी बातें आ गई। हमारा देश आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर गया है और सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, ये लोग को नहीं तो यूं कहिए कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। महोदया, हर बजट भाषण में धार्मिक ऐतिहासिक साहित्यिक रूपकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अमृत काल की अवधारणा इन सब प्रतीकों के इस्तेमाल के काफ़ी अलग है। बजट इसलिए हर साल पेश होता है ताकि पिछले साल और इस साल के हिसाब का लेखा जोखा जनता के बीच प्रस्तुत किया जा सके। अगर 25 साल का विजन होगा तब आप उस बजट का मूल्यांकन कैसे करेंगे? महोदया, जब वित्त मंत्री सुटकेस छोड़ी तो कहा गया कि अंग्रेजों की परंपरा थी, अब बजट भारतीय परंपरा के अनुसार लाल कपड़े में लपेटकर इसे बही खाते का रूप दिया गया है। देश में हर साल दिवाली के मौके में नया बही खाता शुरू होता है और पिछले साल का बही खाता बंद कर दिया जाता है। संविधान के आर्टिकल 112 में बजट का वैधानिक नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे कहीं भी विजन डॉक्यूमेंट नहीं कहा गया है। आर्टिकल 112 में लिखा है कि राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री उस साल का वित्त लेखा जोखा पेश करेंगे। इस साल के बजट की पहली लाइन में भी यही कि 22-23 का बजट पेश किया गया रहा है, लेकिन अगले कुछ पैराग्राफ में 2047 के विजन की बात होने लगती है। इतना लंबा कालखंड किसी बजट में कैसे हो सकता है? जब फिर अगले साल कितना काम हुआ, कितना पैसा खर्चा हुआ, किसकी जवाबदेही कैसे तय होंगी, पूछने पर यह कह दिया जाएगा कि अभी 25 साल बाकी है, काम हो रहा है। इस साल के आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक PIL योजना के तहत 5 साल में 14 सेक्टर से 60 लाख रोजगार पैदा होने की बात कही गई, लेकिन 100 लाख करोड़ के पीएम गति शक्ति में रोजगार की कोई अनुमति संख्या नहीं बताई गई। महोदया, 2019, 2020, 2021 के 15 अगस्त के दिन 100 लाख करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात प्रधानमंत्री ने की, तो इस दौरान खर्च हुआ होगा, कुछ काम हुआ होगा, कुछ रोजगार पैदा हुआ होगा, उसका हिसाब कुछ तो इस बजट में बाहर देना चाहिए था। क्या यह गलत सवाल है? इस सौ लाख करोड़ को लेकर कितनी बार और कितने साल तक हेडलाइन छपती रहेंगी? और इस बजट में पीएम गति शक्ति में 7 केंद्र बताए गए, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, लोक परिवहन, जल परिवहन, लॉजिस्टिक, लेकिन इस बजट में पैसे का जिक्र केवल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर है। कहा गया कि 50,000 नेशनल हाईवे बनाने के लिए 20,000 करोड़ जुटाए जाएंगे। महोदया, बजट में महाराष्ट्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, यहाँ तक कि GST बकाया जो राज्य का अधिकार है उसे भी नहीं दिया जा रहा है। केंद्र के कुल GST संग्रह में राज्य ने 48,000 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है, फिर भी पुनर्भुगतान के रूप में 5,500 करोड़ रुपए की एक छोटी सी राशि दी गई है। केंद्र इस तरह से राज्यों को बकाया GST का हिस्सा ना देकर परेशान कर रहा है। महोदया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड एक सवाल है, मैंने रेल मंत्री जी से मेरी गो राउंड ट्रेन के बारे में अनुरोध किया था। बल्लारशाह से नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चांदा फोड़ होते हुए बल्लारशाह तक का यह सफर करीब 600 किलोमीटर का होता है, जो कि मध्य तथा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत आता है। मेरी गो राउंड वाली यह प्रस्तावित ट्रेन पूर्व विदर्भ के चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया तथा गढ़चिरौली जिलों को अपने साथ जोड़ सकती है, जिसे क्षेत्रवासियों को बहुत सुविधा होंगी। लाखों श्रमिकों के बचाव में आई योजना मनरेगा के में एक बार फिर कटौती की गई है। 2021-22 में मनरेगा के बजट में 34% की कमी की गई, बस हो गया, और हमने चेतावनी दी थी कि यह पर्याप्त नहीं होगा। हम सही साबित हुए जब सरकार को 25,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निधि का आवंटन करना पड़ा, फिर भी सरकार ने इससे कुछ नहीं सीखा, और इस बार भी मनरेगा का बजट 2021-22 की तुलना में श्री राहुल कस्वा जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बढ़ जाइए
कुछ नहीं जा रहा है, बैठ जाइए। आई सपोर्ट द यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय द ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन बजट